How to withdraw money from Access Bank ATM। तो यहाँ पर अपने Access Bank के ATM से आप अपना मनी किस तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं इन 2021। तो यहाँ पर चाहे वो Access Bank हो, ICICI Bank हो, HDFC Bank हो, हर एक बैंक का कुछ लिमिटेशन ट्रांजेक्शन होता है। कुछ लिमिटेड बार ही आप यहाँ पर फ्री में अपना मनी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सेम बैंक अकाउंट का यूज़ करके या तो सेम ATM का यूज़ करके आप अगर आप अपना मनी विड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ फाइव टाइम आपका फ्री में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दूसरा बैंक का अकाउंट है और दूसरा बैंक का ATM कार्ड है और आप दूसरे बैंक के ATM मशीन से अगर आप मनी विड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका चार्ज तीन बार ही आपको फ्री में यानी कि टाइम मिलता है। उसके बाद कुछ चार्जेस यहाँ पर अप्लाई होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो टॉपिक है स्पेशली फॉर मैं बिगिनर्स के लिए कवर कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मेरा डेबिट कार्ड है ये HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है और यहाँ पर मैं एक्सिस बैंक के ATM से मनी विड्रॉ कर रहा हूँ यानी कि ATM मशीन से। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली अपना फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेबिट कार्ड है वो यहाँ पर इंटर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक दिस। तो लेट्स मैं इसको यहाँ से अंदर पुट कर लेता हूँ। पुट करने के बाद यहाँ पर आपको बस 10 से 15 सेकंड तक वेट करना है। ये एक्सिस बैंक का रूल्स है तो यहाँ पर ATM का रूल है बिकॉज अदरवाइज कोई कोई ATM होता है जिसमें 2 से 3 सेकंड में प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है लेकिन यहाँ पर एक्सिस बैंक में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर ATM पिन इंटर करने के बाद यानी कि ATM कार्ड अपना इंटर करने के बाद जस्ट आपको वेट करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन आता है अपना लैंग्वेज चूज़ करना है। तो जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। तो फिलहाल मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ तो मैं इंग्लिश वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको विड्रॉल का ऑप्शन चूज़ करना है। कैश विड्रॉ है, बैलेंस इंक्वायरी है, मिनी स्टेटमेंट है, पेंशन है, तो आपको जो भी। तो फिलहाल अभी हम कैश विड्रॉ करना चाहते हैं, मनी विड्रॉ करना चाहते हैं तो मैं कैश विड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अब उसके बाद है आपको अकाउंट का ऑप्शन आएगा तो आपका करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है वो आपको चूज़ करना है। तो मोस्टली अगर आप सिंगल पर्सन है मेरी तरह तो आपका सेविंग अकाउंट ही है। करंट अकाउंट स्पेशली फॉर बिजनेस मैंस के लिए होता है तो यहाँ पे मैं सेविंग अकाउंट पे क्लिक करूँगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट इंटर करना है, कितना अमाउंट आप यहाँ पर विड्रॉ करना चाहते हैं। अगर आपका जीरो बैलेंस का अकाउंट है तो यहाँ पर आप मिनिमम 100 रुपीज़ निकाल सकते हैं लेकिन कोई कोई ATM होता है जिसमें जीरो बैलेंस का ऑप्शन नहीं होता है तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट निकालना पड़ता है। तो फिलहाल इसके बाद आपको अमाउंट इंटर करने के बाद आपका पिन यहाँ पर इंटर करना है, देन उसके बाद कन्फर्म पिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड फाइनली एक्सिस बैंक के ATM से मनी विड्रॉ हो चुका है। सो दिस इज़ द प्रॉपर वे टू विड्रॉ मनी फ्रॉम एक्सिस बैंक ATM। तो ओवरऑली जो स्टेप्स एंड प्रोसेस एकदम सिंपल है। ये जो टॉपिक है स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए यूज़फुल होगा। जो जिसका भी एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो उन्हें यहाँ पर इससे हेल्प होगी और आप इजीली इस स्टेप का यूज़ करके एक्सिस बैंक के ATM से मनी विड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू, दिस विल हेल्प यू इन 2021।